रूस ही भारत का सच्चा दोस्त है। ये बात एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साबित कर दी है। भारत को रूस अब अपनी एक ऐसी खास पावर टेक्नोलॉजी देना चाहता है जो दुनिया में किसी और देश के पास है ही नहीं। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात जब चीन को पता चली तो चीन हैरान हो गया कि रूस भारत को ये टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर कर देगा तो भारत को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल रूस भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट देना चाहता है और इसी वजह से चीन टेंशन में आ चुका है। दोस्तों, रूस ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास समंदर पर तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। यहाँ तक कि अमेरिका और चीन के पास भी अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या पावर प्लांट नहीं है जो समंदर पर तैरता हो, और अब भारत को रूस खुद ये टेक्नोलॉजी देना चाहता है। पूरी खबर जानने से पहले भारत को मिलने वाली इस नायाब टेक्नोलॉजी के लिए वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। साथ ही हम आप तक ऐसी ही और भारत से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। तो रूस ने भारत को एक ऐसी परमाणु तकनीक देने का ऑफर सामने रखा है जिससे भारत पावर जनरेट करने के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दरअसल दोस्तों, रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम ने भारत को FNPP यानी के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तकनीक ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है। पूरी दुनिया में तेजी के साथ शहरीकरण बढ़ा है, बड़े बड़े शहर विस्तारित किए गए हैं, जिन्हें लगातार प्रगति देने के लिए सबसे जरूरी चीज है बिजली, और इसीलिए दुनिया के ज्यादातर देश इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में जुटे हुए हैं जिनसे बिजली आसानी से बनाई जा सके। चीन भी रूस की इस टेक्नोलॉजी को मांग रहा है, लेकिन रूस ने चीन को मना करते हुए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तकनीक भारत को देने का फैसला किया है। आज के समय में रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास समंदर पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र को रूस ने अपने लोमोनोसोव नाम के जहाज पर लगा रखा है। ये जहाज जगह जगह घूमता है जिससे अलग अलग स्थानों पर बिजली की कमी को पूरा किया जा रहा है। फिलहाल अभी ये जहाज रूस के आर्कटिक में मौजूद एक बंदरगाह को बिजली सप्लाई कर रहा है, और इसने वहाँ इतनी ज्यादा बिजली सप्लाई कर दी है कि जो वहाँ पर पहले कोयले की मदद से बिजली बनाई जा रही थी उसे बंद कर दिया गया, और अब ये न्यूक्लियर फ्लोटिंग प्लांट ही उस पोर्ट को बिजली दे रहा है। देखा जाए तो भारत के लिए यह फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जैसे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां समंदर ही समंदर दिखाई देता है, जिस कारण इन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, बंदरगाहों को सुचारू रूप से चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। पर इस न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक के आने से भारत रूस की तरह समंदर में तैरते हुए बिजली पैदा करके इन इलाकों में सप्लाई कर सकेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी देने का ऑफर भारत को दिया हो। हाँ, पहले इस मामले में यह जमीन पर आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, लेकिन अब पहली बार रूस ने खुद चलकर भारत को अपनी ये नायाब फ्लोटिंग पावर प्लांट टेक्नोलॉजी देने का ऑफर सामने रखा है। ये भारत और रूस के बीच बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन नहीं चाहते कि भारत को ये तकनीक मिले। भारत तेजी के साथ वैश्विक स्तर पर आगे बढ़े, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी है कि अब अमेरिका या चीन क्या कहता है इसका इन दोनों देशों पर कोई असर नहीं होता। इस परमाणु पावर प्लांट की खासियत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही कम लागत के साथ 24 घंटे बिजली पैदा कर सकता है,
वो भी समंदर में रहकर। इतना ही नहीं, इससे कार्बन एमिशन भी ना के बराबर होता है और इसी वजह से यह पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। भारत में बनने वाली बिजली के लिए ज्यादातर कोयला और हाइड्रो का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कार्बन एमिशन होता है और यह कार्बन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। वही समय के साथ भारत ने कई जगह परमाणु रिएक्टर पावर प्लांट भी लगाए हैं, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। लेकिन भारत के जो द्वीपीय इलाके हैं, जैसे कि अंडमान है, निकोबार है और लक्षद्वीप है, या दूसरे समुद्री जो क्षेत्र हैं, वहाँ इस तरह के न्यूक्लियर प्लांट लगाना काफी महंगा और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज वहाँ जीवाश्म से चलने वाले जनरेटर से ही बिजली पैदा करी जाती है, जिनसे काफी ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। लेकिन अब भारत इस FNPP टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर में तैरते हुए बिजली बना पाएगा, वो भी बहुत ही कम लागत और बिना कार्बन उत्सर्जन के। इसके अलावा भारतीय नौसेना के जहाजों, युद्ध पोतों और आइस ब्रेकर के लिए भी इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे समंदर के पास बने किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिन्हें पोर्ट तक, शिपयार्ड तक आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। जहां कोयले से और दूसरे परमाणु रिएक्टर से बिजली बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, वहीं ये फ्लोटिंग पावर प्लांट जीरो कार्बन एमिशन के साथ बहुत ही कम खर्चे में 24 घंटे बिजली पैदा करने में सक्षम है। इसीलिए भारत और रूस के बीच ये एक नए क्षेत्र में विकास के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। दरअसल भारत ने भी रूस की कई बार मदद करी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जब रूस को काफी नुकसान झेलना पड़ा, तो भारत ने रूस का कच्चा तेल खरीदकर उसे आर्थिक समस्या से बचाया, रूस को अपने डिफेंस हथियार दिए और अब रूस भी भारत को अपनी सबसे खास न्यूक्लियर पावर प्लांट की बनाने की और उसे चलाने की तकनीक देना चाहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या भारत को अपने समुद्री क्षेत्रों में इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिजली बनानी चाहिए? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। अगर भारत के पास ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया, तो भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो इस तकनीक का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।